Hey guys, what's up? So this is continuations of learn English or Hindi, right? And today's session I will talk about how we can talk to the shopkeeper. So let's say आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं किसी shop पे, तो आपको कैसे बात करना है, right? So today we will see that how we should talk. So let's say you went to electronic shop. आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर विल आस्क यू, हेलो सर, वेलकम टू आवर स्टोर. ही विल टेल यू लाइक थैंक यू फॉर कमिंग हियर, लाइक आपका बहुत आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट. सो योर रिप्लाई विल बी थैंक यू, लाइक ओके धन्यवाद. सो ही विल से यू हेलो सर वेलकम टू आवर स्टोर, विच मीन्स विथ वेरी ग्रैटिट्यूड ही सेइंग दैट वेलकम टू आवर स्टोर, राइट. Now your reply will be thank you. Now shopkeeper will ask you, how can I help you sir? Like he is asking you, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? How can I help you sir? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? So you should tell, actually I am planning to buy a TV. मैं एक TV खरीदने का सोच रहा हूँ. So could you please help me with that? So क्या आप उसमें मदद कर सकते हैं, right? आप बोल सकते हैं कि actually I am planning to buy a TV. So could you please help me on that? मतलब मैं एक टीवी खरीदने का सोच रहा हूँ, क्या आप उसमें मदद कर सकते हैं? Then shopkeeper will say, sure sir, could you please specify me the brand so that I can be more transparent with the details, right? He is saying that, क्या आप ब्रांड के बारे में बता सकते हैं कि आपको किस ब्रांड का टीवी लेना है? So that I'll be more transparent with the details, so that मैं आपको आसानी से जो डिटेल्स है उसका जानकारी दे सकता हूँ, राइट. सो वॉट एवर डिटेल्स ही हैज, ही विल पास इट टू यू, राइट. वंस यू विल से योर ब्रांड, ही विल टेल यू मोर डिटेल्स, द प्राइस ऑफ द टीवी, द साइज ऑफ द टीवी, मोर डिटेल्स ही विल टेल यू, राइट. नाउ कस्टमर विल आस्क, आई एम यूजिंग पानासोनिक टीवी दिस डेज, बट आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विथ इट्स सर्विस, राइट. सो कस्टमर इज सेइंग दैट कि मैं पानासोनिक टीवी यूज करता हूँ, आई एम यूजिंग पानासोनिक टीवी दिस डेज, बट आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विथ इट्स सर्विस, बट मैं उसके सर्विस से सर्टिफाई नहीं हूँ, सर्विस से संतुष्ट नहीं हूँ, जो उसका सर्विसिंग है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, राइट. आई एम यूजिंग पानासोनिक टीवी दिस डेज, बट आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विथ इट्स सर्विस, मैं उसके सर्विस से खुश नहीं हूँ. शॉपकीपर, यू शुड ट्राई दैट एलजी टीवी. शॉपकीपर इज सेइंग दैट आपको एलजी टीवी ट्राई करना चाहिए, आपको एलजी टीवी खरीदना चाहिए. इट इज़ ऑलरेडी इन हाई डिमांड, जो उसका डिमांड है एलजी टीवी का वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट. सो कस्टमर इज आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज इट ऑफर, लाइक यदि मैं एलजी टीवी लेता हूँ तो मुझे क्या क्या सर्विस में मिलेगा, राइट. व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज इट ऑफर, मतलब किस टाइप का सर्विस वो ऑफर करता है. एलजी, लेट्स से कि मैं एलजी टीवी खरीदता हूँ तो किस टाइप का सर्विस मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डज इट ऑफर. शॉपकीपर विल से इन एलजी टीवी यू विल गेट अ 2 ईयर वारंटी, राइट. 2 साल का आपका वारंटी रहेगा, यू विल गेट 2 ईयर वारंटी. इट ऑल्सो हैज 5 ईयर सर्विस एंड 5 साल का सर्विस है, राइट. 2 साल का तो आपको वारंटी मिलेगा, प्लस इट हैज 5 ईयर सर्विस, 5 साल का सर्विस मिलेगा. द इंस्टॉलेशन इज फ्री, और जो इंस्टॉलेशन होगा जहाँ पे इसको फिक्स किया जाएगा वो भी फ्री है. द मेंटेनेंस इज ऑल्सो टेकन केयर बाय द कंपनी, एंड जो भी कुछ मेंटेनेंस होगा, जो भी कुछ रिपेयर करने में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो कंपनी टेक केयर करेगी. द मेंटेनेंस इज ऑल्सो टेकन केयर बाय द कंपनी, जो मेंटेनेंस है वो कंपनी ही करेगी. कस्टमर से दैट्स परफेक्ट. शॉपकीपर विल से सर व्हेन डू यू वांट टू इंस्टॉल द टीवी, आप टीवी को कब इंस्टॉल करना चाहते हैं, राइट. बिकॉज लेट्स से इट्स एलसीडी, सो एलसीडी वी नीड टू फिक्स टू द वॉल. जो एलसीडी टीवी होती है हम लोग वॉल पे फिक्स करते हैं. So we need to fix it to the wall. So shopkeeper is asking to you, where do you want to install the TV? Where do you want, right? Customer will say, in the living hall. जो मेरा living hall है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एक hall है, एक room में hall है, जहाँ पे हमको ये fix करना है. Shopkeeper will say, super sir. Customer, could you please tell me the price of this TV and the mode of payment? So customer is saying that, could you please tell me the price of this TV? Like, क्या आप बता सकते हैं कि इस टीवी का प्राइस कितना है, एंड द मोड ऑफ पेमेंट, और
पेमेंट का क्या मोड है, कैश लेंगे चेक लेंगे, राइट? सो कस्टमर इज सेइंग दैट कुड यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ द टीवी एंड द मोड ऑफ द पेमेंट. शॉपकीपर विल से इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000, राइट? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000 INR इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, राइट? इसका इस टीवी का आपको 40,000 रुपया लगेगा जिसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है. एंड यू कैन पे बाई कार्ड और कैश और चेक. आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं, आप कैश से भी पे कर सकते हैं, आप चेक से भी कर सकते हैं, राइट? एंड यू कैन पे बाई अ कार्ड कैश और चेक. कस्टमर विल से परफेक्ट आई वुड लाइक टू पे बाई कार्ड. सो कस्टमर इज सेइंग दैट थैंक यू, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, मतलब मैं जो पैसा है वो कार्ड से दूंगा. शॉपकीपर विल से श्योर सर लेट अस कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीड फर्दर. सो शॉपकीपर विल से दैट ओके सर, आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो करना पड़ेगा एंड देन प्रोसीड फर्दर एंड देन हम लोग कार्ड से पेमेंट ले लेंगे. सो श्योर सर लेट्स कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीड फर्दर. हम लोग फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेंगे और हम लोग पेमेंट कार्ड से ले लेंगे, राइट? तो थैंक यू गाइज. एंड दीज आर द क्वेश्चंस यूजुअली व्हेनेवर वी गो टू एनी शॉप वी आस्क, राइट? सो स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द लेवल, धीरे धीरे मैं कन्वर्सेशन का लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ. और आप इसको दो बार तीन बार चार बार वॉच कीजिए ताकि आप आसानी से बोल सकते हैं. एंड बिलीव मी यदि ये सब आप बोलना सीख गए तो आप किसी टाइप का भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इसमें पर्सनल गारंटी. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू वंस अगेन.